दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब टू डिजाइनिंग नाम है इसका आपके सब्जेक्ट का। इससे पहले आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब वन के नाम से एक बुक पढ़ चुके हैं, उसमें हमारा बेसिक फोकस जो था कंप्यूटर एप्लीकेशन पे था। वेब का हमने सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जबकि कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब टू के अंदर आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ टूल ही पढ़ोगे। हमारा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट सारा का सारा किस पे होगा, वेब के ऊपर होगा। हम बेसिक वेब से स्टार्ट करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और इसके बारे में फर्दर डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, प्लस हम यहाँ पे वेब की डेवलपमेंट भी थोड़ी सी सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाएंगे इंशाल्लाह। कुछ आज है, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास आ जाएगी टर्मिनोलॉजी जो आपको हेल्प करेंगी वेब को जानने के बारे में, वेब को सीखने के बारे में। सबसे पहले लफ्ज सुन लेते हैं इंटरनेट, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा सुनते हो, यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो। लफ्ज इंटरनेट जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, इंटरनेशनल नेटवर्क का। ठीक है, तो इसे रिफाइन करते हैं, इट रिप्रेजेंट द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। ये बहुत से नेटवर्कों से मिलकर एक नेटवर्क बनता है। पाकिस्तान का एक नेटवर्क है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का, ईरान का, चाइना का, भूटान का, आपके पास मालदीव का, बांग्लादेश का, इंडोनेशिया का, आपके पास जापान का, ये सारे मुल्कों के नेटवर्क जो मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता जाता है, एक इंटरनेट बनता जाता है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क का नेटवर्क होता है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी जाल बिछा हुआ है, जितने भी कंप्यूटर आप लोग कनेक्ट है, उस सारे के सारे नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल और नेटवर्क, यहाँ से इंट और यहाँ से नेट को मिला के हमारे पास इंटर सॉरी यहाँ हमारे पास वर्ड क्या बन जाता है, यहाँ से हमने वर्ड इंटर लिया इंटरनेशनल से, और यहाँ नेटवर्क से हमने वर्ड नेट लेके इंटरनेट का वर्ड बना रहा। ठीक है, अब लफ्ज यहाँ पे इंटरनेशनल तो मैं समझ आ रहा है, नेटवर्क क्या चीज है उसको भी अगर थोड़ा सा डिफाइन करते चले, तो नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर या कंप्यूटराइज डिवाइसेस। हो सकता है कि वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हो सकता है वो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटराइज डिवाइसेस आपस में जुड़ी हो सकता है कि प्रिंटर जुड़ा हो, कि सर्वर जुड़ा हो, कि या कहीं पे आपके पास इसी तरह की कोई और डिवाइस आपस में कनेक्ट हुई हो। ठीक है, टैबलेट, मोबाइल और लैपटॉप वगैरह आ जाते हैं, सारी इस तरह की कोई भी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड हो। अगर कम अज कम लिमिट क्या है, दो या दो से ज्यादा हो, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो कंप्यूटराइज डिवाइसेज हो, अगर वो जुड़ी हुई आपस में कनेक्टेड है, किसके लिए कनेक्टेड है, कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए, तार। ठीक है, वायर के जरिए आपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लगाया, तार लगी भी वायर या वाईफाई वगैरह के जरिए वायरलेस कनेक्शन के जरिए जुड़े हुए हो, और वो आगे वायर जो है या वायरलेस जो है आगे किसी डिवाइस से कनेक्टेड है। यानी कि दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, लेट्स सपोज पीटीसीएल से कनेक्शन लेते हो, तो पीटीसीएल के दफ्तर से एक वायर आ रही है आपके घर में, एक मॉडेम लगता है। ठीक है, एक डिवाइस, मॉडेम से आगे क्या निकलती है, वायर लगती है आपके कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के साथ क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया भी अटैच होता है और साथ में कुछ डिवाइसेज भी। इन डिवाइसेज और मीडिया के जरिए आपके कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो कंप्यूटर एक कंप्यूटर डिवाइसेज को आपस में जोड़ने के लिए दो चीजें रिक्वायर है, कम्युनिकेशन मीडिया भी, कम्युनिकेशन डिवाइसेज भी। इन दोनों चीजों के जरिए हमारे कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेज आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, और क्या बना देती है, नेटवर्क बना देती है। ठीक है, साथ ही साथ नेटवर्क की आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग और मजीद, तो नेटवर्क की गाय पर आ जाती है, इनके बारे में भी सही जान लेना बेहतर है। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन, मैन, वैन, इसके अलावा भी है, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली आपकी बुक्स के रिलेटेड सिर्फ तीन ही बेसिक जो है डिस्कस करने, बेसिक माइनर लेवल पे हम लोग सिर्फ इन तीन को ही डिस्कस करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, छोटा सा नेटवर्क, इसकी भी सेम वही डेफिनेशन होगी, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। क्योंकि ये छोटे पैमाने पर होता है, इसकी सिर्फ ये लिमिटेशन है, सिर्फ चेंजिंग ये है, रिप्रेजेंट द स्मॉल एरिया। वो स्मॉल एरिया क्या हो सकता है, आप लोगों के मोहल्ले में, ठीक है, आप लोगों के मोहल्ले में जितने कंप्यूटर वो आपस में जुड़े हैं, बस 5-10 लोग हैं उनके कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, और वही 5-10 लोग आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं, बाहर का कोई भी डाटा, इंटरनेट का, फेसबुक, ये वो आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा जो नेटवर्क है इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी लिमिटेशन भी है, कहीं बुक्स में इसे कहते हैं कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितना भी नेटवर्क बना हुआ है, जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। या कह लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 5, 10, 20, 40, 50, 100 मंजिला, तो उसके अंदर जितने कंप्यूटर आपस में अटैच है, चाहे वो 10,000 है, 500 है, जितने भी है, उनके भी हम लोग क्या बोलेंगे, PR ये नेटवर्क है, लेकिन ये छोटा है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, लोकल एरिया
लोकल एरिया नेटवर्क से आगे मूव करें तो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है और वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन भी सेम है तकरीबन, कि ये भी आपके पास क्या आता है, जो लेट सपोज आपके इलाके में एक किलोमीटर के एरिया में कितने कंप्यूटर जुड़े हैं, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क। एक और उसी इलाके में आपकी कोई कॉलोनी वगैरह नहीं बनी है या और लोग आके आबाद हो गए वक्त के साथ साथ, वो भी आपस में कनेक्ट हो गए, वो भी क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क। इन दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में मिलाते जाओगे तो नेटवर्क हमारा बड़ा होता जाएगा। तो हम लोग इसके लिए बड़ा नाम यूज करते हैं, वो क्या हो जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली इसकी डेफिनेशन यूं से यूं कुछ यूं डिस्क्राइब होती है कि जो बिग सिटी मेट्रोपॉलिटन कहते हैं बिग सिटीज को, जैसे हमारे पास इस्लामाबाद तो नहीं कह सकते, अभी जाके बाद होना शुरू है, लाहौर की बात कर लो, गुजरावाला की बात कर लो, फैसलाबाद की बात कर लो, कराची की बात कर लो, इतने बड़े बड़े जो शहर होते हैं इनके नेटवर्क को हम फिर लोकल एरिया नेटवर्क नहीं बोलते, इतने बड़े बड़े शहरों के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये पूरे के पूरे। हालांकि लाहौर में दिल करे आपके पास 10,000 के करीब लोकल एरिया नेटवर्क हो, और अगर शेखपुरा की बात करो दिन शेखपुरा में सिर्फ 500 हो या 200 हो, ठीक है, खानदा के 200, ननकाना के, इधर उधर के मिला के, इतने शहरों के मिला के क्या बन रहा है एक बड़ा नेटवर्क। जैसे लाहौर जैसी सिटी में इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क आपस में बने होते हैं, तो वहाँ के शहर के लोकल शेखपुरा के नेटवर्क को भी हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, छोटा सा शहर। ननकाना के आपके पास जो है लोकल एरिया जितने भी कंप्यूटर आपस में अटैच हैं, जो भी नेटवर्क वहाँ पे बना है उसे भी हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। छोटे छोटे जितनी भी सिटीज हैं इनके नेटवर्क को हम लोग क्या कह सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन बड़े पैमाने पर आ जाओ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया घेरते हैं, बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर किया होता है, उनके तो ही ट्रैवल करने में आपको दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं, तो वहाँ के एरिया को हम लोग लोकल एरिया नहीं फिर कहते, वहाँ पे हम लोग मेट्रोपॉलिटन का वर्ड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोविंस के नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जितने भी बिग सिटीज हैं इंडिया के ले लो, लाहौर के ले लो, अफगानिस्तान के, ईरान के, चाइना के, जितने भी इन बड़े बड़े शहरों के नेटवर्क या छोटे छोटे शहरों के नेटवर्क आपस में कनेक्ट करते जाते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। प्रोविंस लेवल पे देख लो, ये कंट्री लेवल पे, ये कंट्री 2-4-5 सारी मुल्क नहीं, सारी दुनिया की कंट्रीज नहीं, कुछ कंट्रीज या प्रोविंस जो आपस में जुड़ते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। लेट्स एशिया का कॉन्टिनेंटल में जितना भी नेटवर्क है, इस तरह के नेटवर्क के लिए हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करेंगे। सेवन कॉन्टिनेंटल साथ के साथ नेटवर्क के, कॉन्टिनेंटल के अंदर अलग अलग नेटवर्क, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर पूरी दुनिया के कंट्रीज आपस में कनेक्ट करते हैं तब जाके टर्म क्या बन जाती है हमारे पास, इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क की टर्म बन जाती है। यहाँ तक किसी किस्म का मसला मूव करें तो हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका भी जान लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ISP आ जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो तमाम कंपनियां जो आपको इंटरनेट की, जब सारे दुनिया के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, इंटरनेट बन जाता है, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए, डाटा की लिमिटेशन लगाने के लिए, उसकी ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए क्या होती है, इस तरह की कंपनी होती है जिससे आपको क्या करना पड़ता है, डाटा और की डाटा कुछ अमाउंट पे करके परचेज करना पड़ता है। ऐसी कंपनियां आपके पास क्या कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। वो कंपनी आपको इंटरनेट की फैसिलिटीज देती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ISP, ठीक है। मिसाल के तौर पर PTCL आपको फ्रॉम कर रहा है, ईवो जो इस तरह की डिवाइस आप ले रही है, गोंग है, यूफोन है, जहर है, जिससे तुम सारी रात पैकेज करा के लगे रहते आपस से एक दूजे मांग दिल करते रहते, और सारे और सारी कंपनी की होंगी ना इंटरनेट ना पढ़ लीजिए ऐसे, ये इंट्रानेट, ठीक है। इंटरनेट ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंदर, एक बिल्डिंग है, लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं आपडा की, अगर आपसे आपडा हाउस की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे उस पूरी बिल्डिंग के अंदर क्या एक नेटवर्क बिछा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर वो अपना सारा डाटा, अकाउंट का, फाइनेंस का, ऑडिट का, ठीक है, अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिसके अंदर वो सारे बड़े डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर वगैरह सारे बैठते हैं और आपस में डाटा शेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से डाटा को शेयर करते हैं, ठीक है, डाटा को सिक्योर रखने के लिए इसे इंटरनेट से नहीं कनेक्ट किया होता। तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं हमारे पास इंटरनेट कहलाते हैं। मैं समुरा इस तरह करता चलूँ, एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क मौजूद होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे लेट्स आपके पास SBL बैंक है या अल्फला बैंक है, इनके हेड ऑफिस के अंदर एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, या पाकिस्तान के मेन आपका जो बैंक है उसकी बात की जाए, तो उस बिल्डिंग के अंदर जितना भी नेटवर्क है उसका डाटा सिक्योर करने के लिए इंटरनल एक क्या किया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ,
जिसको सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर जो नेटवर्क है उसी के साथ आप डिवाइस के साथ अपने कंप्यूटर की तार लगाएंगे, वाईफाई से कनेक्ट होंगे, तो तब जाके आप उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद जितना भी सर्वर है या कंप्यूटर उनका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नेटवर्क, ठीक है, जिसे इनसाइड द बिल्डिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उसे इंट्रानेट कर सकते हैं। इस उसे हम लोग इंट्रानेट का नाम देते हैं। तो कि इंट्रानेट के अंदर क्या आ जाता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, मोर देन टू इंट्रानेट, ठीक है, उसकी और भी फ्रेंचाइज है। लाहौर में भी एक उनका हेड ऑफिस है, ये सब ऑफिस है। इस्लामाबाद में तो ये हेड ऑफिस है, ये सब ऑफिस है। तो यहाँ के वहाँ के ऑफिस, यहाँ के ऑफिस, यहाँ उनके सब ब्रांचेस जो थी आपस में कनेक्टेड है आपस में। तो ये जो इंटरनेट बने हुए हैं सारे क्या है, आपस में जुड़े हुए, ठीक है। तो आप इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस्लामाबाद के दफ्तर के हेड ऑफिस में जो सिक्योर डाटा उसे भी एक्सेस कर पा रहे हो, यहाँ के डाटा को भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो जिस डाटा को हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी एक्सेस कर पाए, ठीक है, नेटवर्क के जरिए, तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा। ये डिफरेंट इस लिहाज से है कि ये आपके इंटरनेट के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, ये उनका इंटरनल आपने क्या किया हुआ है, अपना से ही एक अलग से इंटरनेट बिछा हुआ है उन्होंने, नेटवर्क बिछा हुआ, सॉरी इंटरनेट नहीं, नेटवर्क बिछा हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांचेस के अंदर अपना अपना नेटवर्क बिछाया हुआ है और उनको आपस में क्या किया हुआ है, सिर्फ कनेक्ट किया है, जिसके जरिए वो अपना सारा डाटा आपस में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट या रिमोट एरिया से एक्सेस कर पा रहे हैं, दूर दराज इलाकों से एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा। वो डाटा जो बिल्डिंग के अंदर से सिर्फ एक्सेस होकर नेट से कनेक्ट होकर वो इंट्रानेट कहलाता है वो नेटवर्क। और ऐसा नेटवर्क, ठीक है, जिसके अंदर मौजूद डाटा को आप लोग आउटसाइड द बिल्डिंग से भी किसी और ऑफिस से या सब ब्रांच से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट बोलते हैं, ठीक है। इससे आगे चले तो कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, ये भी बेसिक्स हैं, आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में वेब का नाम भी देते हो, ठीक है। वेब इंटरनेट का नाम नहीं है, इंटरनेट को नहीं कहते, बिल्कुल गलत तासुर है। आप लोग बोलते रहते यार इंटरनेट वेब वेब इंटरनेट एक ही चीज, ऐसा नहीं है। इंटरनेट के ऊपर एक सर्विस है, बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल है, उनमें से एक सर्विस है जिसका नाम क्या, वेब। इस सर्विस के जरिए आप लोग इंटरनेट पे वेबसाइट को या वेब पेज को एक्सेस करते हो, ठीक है। तो ये वो सर्विस है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट से डाटा को एक्सेस करते हैं वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो ये वेबसाइट को चलाने वाली एक सर्विस का नाम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वेबसाइट या वेब पेज क्या होता है, तो जिस तरह आप लोग कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं नोट पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्सेल पे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे कह दो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसे स्टोर करते हो, ठीक है। तो आपका क्या होता है, वो एक डॉक्यूमेंट जो बनता है, इसी ना क्या होता है, इंटरनेट पे चलने वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो वेब वेबसाइट पे अवेलेबल, जो आपके वेब पे अवेलेबल होता है, वेब का जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। अगर वो एक डॉक्यूमेंट है तो वो वेब पेज है, अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट उसके अंदर है तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, वेबसाइट कहलाएगा, ठीक है। डिफाइन किस तरह कर लोगे कि वेब का जो डॉक्यूमेंट है उसे हम लोग वेब पेज बोलते हैं। अगर वो एक से ज्यादा आपके पास क्या है, वेब डॉक्यूमेंट यानी कि वेब पेज आपस में जोड़ दिए जाए, एक वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज, दूसरा वेब पेज, तीसरा वेब पेज, तीनों वेब पेजेस को जोड़ दिया जाए तो अब ये क्या कहलाती है, वेबसाइट। सिंगल हो तो वेब पेज, अगर एक से ज्यादा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। इनके अंदर एक और यूनिक चीज ये है, ये डॉक्यूमेंट आम डॉक्यूमेंट नहीं होते, इनको पर्टिकुलरली HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे, इस लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। HTML लैंग्वेज के अंदर जो आप लोग डॉक्यूमेंट बनाते हो, ठीक है, वो पर्टिकुलरली आपके पास क्या कहलाता है, वेब पेज। और ये इसी तरह के एक से ज्यादा वेब पेजेस को आपस में जोड़ दिया जाए तब जाके क्या बनती है, वेबसाइट बनती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फेसबुक की बात करो तो एक होम पेज है, एक उस बार होम का बटन दबाते हो आपके पास पेज आता है वॉल, जिसमें आपकी सारी स्क्रॉलिंग वगैरह चलती है, एक आपकी पिक्चर वगैरह बनी आ रही है, उसे दबाते हो पिक्चर को दबाते हो तो पिक्चर वाला पेज आ जाता है, ठीक है। फ्रेंड को दबाते हो फ्रेंड वाला पेज आ जाता है, ये क्या डिफरेंट पेजेस हैं जिनको जोड़ा हुआ है। तो फेसबुक एक वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट चले तो आपके पास इंटरनेट के प्रोटोकॉल आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल टर्म डिफाइन करती है रूल्स के लिए, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, वो रूल होते हैं जिनके मुताबिक इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर पे निकल कर जाता है, ठीक है। जिस तरह रोड पे ट्रैफिक के चलने के लिए कुछ कवानीन है, ठीक है, एक साइड होती है जाने के लिए, एक साइड होती है आने के लिए, अपर साइड पे आप गाड़ी चलाते हो, दरमियाने पे आप रोड पे, ठीक है, एक लाहौर है, एक शेखुपुरा है, एक आपका ननकाना है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, ये समझ लो क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, आपस में कनेक्ट कैसे हैं, रोड के जरिए। तो आपको यहाँ से एक सिटी से लाहौर से गुजरांवाला जाना है, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाना है, ठीक है। तो कनेक्टेड किसी जरिए हो, इन रोड के जरिए हो, तो यहाँ पे रोड पे आपको अपनी गाड़ी, बाइक, साइकिल, कुछ भी ट्रैवल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन
रोड्स के कानून को, कवानीन को, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं लेफ्ट साइड पे चलाना है कि राइट साइड पे चलाना है, ठीक है, गाड़ी की इतनी लिमिटेशन है, ये क्या होते हैं नेटवर्किंग की दबाव में, कंप्यूटर की दबाव में हम लोग इनको प्रोटोकॉल के नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। तो यार ये प्रोटोकॉल नहीं होंगे तो ये साफ हो ही है कि एक रोड को खुली, जैसे गांव वगैरह में होता कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती, इतना ताड़ी ट्राली आ रही है तो ताड़ी गड्डी आ रही है, ठीक है, तो गलती ना ब्रेकअप में फेल हो जाए तो आपस एक दूसरे राग तो बच जाएंगे, ठीक है, कम ताड़ा उसे बह जाए। तो प्रोटोकॉल जो होते हैं बड़े जरूरी होते हैं डाटा को ट्रांसफर कराने के लिए। प्रोटोकॉल के बगैर डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर से मोबाइल, मोबाइल से कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोटोकॉल को डिफाइन कैसे करना है, प्रोटोकॉल आर द रूल्स थ्रू विच, जिसके जरिए डाटा या इंफॉर्मेशन जो होता है वो ट्रांसफर होती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल। कुछ ज्यादा फेमस आपके पास कुछ प्रोटोकॉल लिखे हैं, ठीक है, बिगनर लेवल के लिए एक HTTP प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल है, TCP है, एक IP, ये कुछ फेमस आपके पास प्रोटोकॉल का जिक्र कर रहा हूँ भाई, बाकी इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे जैसे-जैसे आपसे जाएंगे। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP ये वो प्रोटोकॉल है जिसके जरिए आप वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हो, यानी कि इंटरनेट पे आपको कोई वेबसाइट खोल के देखनी है तो इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कभी भी गौर करें अपने ब्राउजर पे जाके facebook.com लिख के एंटर दबाएंगे, google.com लिख के एंटर दबाएं, उसके सबसे स्टार्ट पे HTTP लिखा आपको नजर आएगा। तो इस प्रोटोकॉल के जरिए, ठीक है, आप लोग क्या करते हो उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसके जरिए हम डाटा को अपलोड या डाउनलोड वगैरह करते हैं, पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब से मूवी वगैरह डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन कंट्रोल है, ठीक है, ये डाटा को एक जगह दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आपके होस्ट और कंप्यूटर यानी कि दोनों कंप्यूटर की शनाख्त करवाने के लिए, उनके एड्रेस की बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट में हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजी है आपस में कनेक्टेड, सर्वर, क्लाइंट और होस्ट। बेसिकली ये तीनों भी आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर ही होते हैं, वही कंप्यूटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह होते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, सारा कुछ ये कंप्यूटर ही होते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है नेटवर्किंग के लिहाज से, वो क्या है कि सर्वर बेसिकली हमारा वो मेन कंप्यूटर होता है, वो मास्टर कंप्यूटर होता है जो कि क्या कर रहा होता है, इंटरनेट की सारी ट्रैफिक को, डाटा वगैरह को, चीजों को, हर चीज को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उन्हें मैनेज कर रहा होता है, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करा रहा होता है। ऐसा मेन कंप्यूटर जो हमारे पास क्या करता है, डाटा को डील करता है, नेटवर्क को कंट्रोल करता है, नेटवर्क के डाटा को कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, उनको कोऑर्डिनेट करवाता है, ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सर्विस देने वाला कंप्यूटर, सर्वर। जैसे टीचर है, पढ़ाने वाला टीचर है, ठीक है, टीचर अगर पढ़ाना है तो टीचर पढ़ाने वाला है, राइड अगर सवारी है तो राइडर क्या सवारी करने वाला है। इसी तरह सर्विस अगर आपके पास लफ्ज है तो सर्विस खिदमत यानी कि, ठीक है, तो सर्वर क्या होगा, खिदमत करने वाला, ठीक है। तो ये वो मास्टर कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क कंट्रोल मैनेजर कोऑर्डिनेट कराता है। इसी तरह एक लफ्ज एक टर्म हमारे पास क्लाइंट है, एक टर्म हमारे पास क्या रहती है, होस्ट। क्लाइंट क्या होता है, वो डिवाइस होती है या एक डिवाइस भी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जिसके जरिए हम लोग यानी कि यूजर जो है सर्वर के साथ क्या होते हैं, अपना डाटा वगैरह कनेक्ट करके ही लेते हैं, ठीक है। मैंने सर्वर से डाटा, फेसबुक के सर्वर से डाटा उठाना है, ठीक है, तो सर्वर मैं मेरा कंप्यूटर क्या कहलाएगा, या वो सॉफ्टवेयर जिनके जरिए मैं सर्वर फेसबुक के सर्वर से डाटा उठा रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर क्या कहलाएगा, क्लाइंट, ठीक है। मेरा कंप्यूटर या उसके अंदर मौजूद वो सॉफ्टवेयर जो फेसबुक से मुझे डाटा ला के दे रहा है, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, मेरे पास क्लाइंट, ठीक है। याद रहे वो हार्डवेयर या उसके अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर जो सर्वर से डाटा मुझको ला के देगा, यूजर को ला के देगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। और जो इस काम को सर अंजाम देने वाला दूसरा कंप्यूटर होता है दूसरी साइड पे, ठीक है, फेसबुक वालों का जो कंप्यूटर होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने किस तरह डिफाइन की है, तो होस्ट क्या होता है, मेजबान होता है, वो मेजबान जो क्या करेगा, आपकी मेहमानवादी करेगा, ठीक है। तो कहता है होस्ट अ कंप्यूटर या डिवाइस व्हिच कैन एक्सचेंज डाटा इंफॉर्मेशन बिटवीन यूजर, ठीक है। लेट सपोज आपका दोस्त, ठीक है, आप लोग दो दोस्त हैं, उसके बाद में एक मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, आप दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, मैंने एक मैसेज लिख के उसे सेंड किया है या पिक्चर उसे भेजनी है, ठीक है, तो मेरा डाटा को लेकर, ठीक है, इसके मोबाइल तक पहुंचाना, इसके मोबाइल से डाटा लेकर मेरे मोबाइल तक पहुंचाने वाला जो कंप्यूटर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। यहाँ तक किसी चीज में मसला है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी थी,
ठीक है, इसे आराम नॉर्मल से एक बार जरूर देखिएगा। कुछ और टर्मिनोलॉजी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे वो भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।